डियर फ्रेंड्स वेलकम इन आवर चैनल इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर थ्री का थर्ड पार्ट इससे पहले वाले सेकेंड वीडियो में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कोलरास लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल वट इज स्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड वट इज़ द नस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का हमारा ई एम एफ ऑफ सेल ई एम एफ ऑफ सेल क्या होता है ई एम एफ का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है ई e से होता है यहाँ पर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो एम से है मोटिव इलेक्ट्रो मोटिव और एफ से होता है यहाँ पर फोर्स यानी कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए जो फ़ोर्स रिक्वायर होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूवमेंट कब करते हैं जब इनके पोटेंशियल में डिफरेंस हो जैसे यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोड लगा है जिंक का यहाँ पर माइनस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं ठीक है और इस मोमेंट के लिए यहाँ पर एक फोर्स रिक्वायर होता है यानी कि एक फोर्स की आवश्यकता होती है और उस फोर्स को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओके ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये टू हाफ सेल्स में देखने को हमें मिलता है इसकी डेफिनेशन अगर देखें हम तो डेफिनेशन यहाँ पर दी है इसमें देखिए अभी तक जो हमने समझा वो सारी बातें यहाँ पर थ्योरी में भी दे रखी है क्या कहा अ कंप्लीट सेल इज़ फॉर्म्ड वेन टू हाफ सेल्स आर ज्वाइंट बाय एन आउटर सर्किट एग्जाम्पल जेडन एंड कॉपर हाफ सेल्स फॉर्म्ड अ कंप्लीट सर्किट लाइक डेनियल सेल ये जो अभी अपन ने देखा वो डेनियल सेल है इसको सेल के फॉर्म में आप राइट करोगे जेडन और यहाँ पर इस टाइप से लाइन राइट करना है जेडेन टू प्लस यहाँ पर वन एम लिखा है यानी कि मॉलिटी वन है सॉल्यूशन की फिर लाइन खींचना है इसे कॉपर टू प्लस यानी कि जो कॉपर है इसके ऊपर प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन की कमी है ये इलेक्ट्रॉन लेता है और किस में चेंज होता है सी यू में चेंज हो जाता है यानी कि न्यूट्रल फॉर्म में तो ये सेल रिएक्शन है सेल की रिएक्शन को इस टाइप से आप राइट कर सकते हो इसके बाद डेफिनेशन दे रखी ई एम एफ की तो ई एम एफ क्या होता है यहाँ पर द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू मेंटेन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज थ्रू द होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इफ टू फ्लो क्यू चार्ज इन अ सर्किट एंड डब्ल्यू एनर्जी इज रिक्वायर्ड दैन ई एम एफ ऑफ सेल विल बी फॉलो अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या कहा है कि क्यू चार्ज फ्लो करता है कब फ्लो करता है जब डब्ल्यू अमाउंट में एनर्जी देते हैं तब क्यू चार्ज फ्लो करता है फ्लो करता है तो जो ई ऑफ सेल है यानी कि ई ऑफ सेल वो किसके इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू के तो इस टाइप से आप ई के लिए एक इक्वेशन राइट कर सकते हो फिर सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर क्या करा इसने जो ई है उसको ई e राइट कर दिया है ये क्या है यहाँ पर एक टाइप का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यानी कि एक टाइप की एनर्जी है ई e को भी हम हाँ एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है तो एक टाइप की एनर्जी है इसलिए इसको ई से ही रिप्रेजेंट किया है पर ई इज एज टू क्या है डब्ल्यू अपॉन में क्यू डब्ल्यू क्या है तो यहाँ पर जो एनर्जी दी जा रही है जो वर्क किया जा रहा है वो है और क्यू जो है वो यहाँ पर क्या है चार्ज है ठीक है तो इस टाइप से हम ई एम एफ के लिए एक इक्वेशन राइट कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है तभी जाके हम समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है तो आइए देखते हैं यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं हम कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है देखिए यहाँ पर क्या लेना है आपको एक हाफ सेल लेना है ये यह है यहाँ पर वन हाफ़ सेल अब यहाँ पर ये यह जो हाफ़ सेल है इसके अंदर हमने एक जिंक का ये एनोड लिया है और ये जिंक का जो एनोड है वो जेडन एस ओ फोर के सॉल्यूशन में डिब्ड है अब यहाँ पर ये जो जेडन एसओ फोर का सॉल्यूशन है इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ठीक है और ये जो रोड है इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है क्या कहा इसने कि मान लीजिए आपके पास एक हाफ सेल है जिसमें एक मेटल का इलेक्ट्रोड यहाँ पर इमर्स किया हुआ है यानी डिप किया हुआ है और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो जो सॉल्यूशन के इलेक्ट्रॉन्स है और जो रोड के इलेक्ट्रॉन्स है इनके पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है क्या बोलते हैं इसे हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अब एक और बात कही है इसने कि एक है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दोनों में डिफरेंस क्या है अभी हमने जो देखा वो क्या देखा यहाँ पर हमने कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है अब अगर हमें समझाना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है तो उसको हम कैसे देखेंगे यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन लेते हैं उसकी मोलरिटी क्या करना आपको वन मोल फिक्स करनी है यानी कि सॉल्यूशन जो लेना है वो कैसा लेना है तो वन मोल मोलरिटी का अगर यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेते हैं और इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर हम फिक्स रखते हैं टू हंड्रेड नाइन्टी एट कैलविन और फिर इसका अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं इस सेल का इसके बाद में अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो इसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है क्या किया है यहाँ पर ये जो सेल है हाफ सेल इसका हमें निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो स्टैंडर्ड अगर वर्ड जुड़ जाता है तो यहाँ पर क्या करना है जो भी सॉल्यूशन ये जेड एन एस ओ फोर का ले रहे इसकी मोलरिटी वन मोल फिक्स रखनी है और टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है टेम्परेचर भी हमें यहाँ पर फिक्स रखना है कितना है टेम्परेचर टू हंड्रेड नाइन्टी एट अगर ये दोनों चीज़ें हम फिक्स कर देते हैं तो यहाँ पर फिर जो आप पोटेंशियल निकालते हो वो कैसा पोटेंशियल निकलेगा यहाँ पर तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है तो ये था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है इक्वेशन नर्नस्ट इक्वेशन क्या होती है अब जो नर्नस्ट इक्वेशन है ये भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही रिलेटेड है जैसे अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है किसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड डिप्ड किया रहता है और जो सॉल्यूशन है इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं सेल का पोटेंशियल ठीक है यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं अब यहाँ पर नानस्ट ने भी इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर बेस्ड एक इक्वेशन एक दी थी और उस इक्वेशन को हम कहते हैं नानस्ट की इक्वेशन क्या कहा था इन्होंने थ्योरी में देखते अपन क्या कहा था इन्होंने पोटेंशियल के लिए नैनस्ट ने कहा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी सेल का वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है किस पर एक तो सेल के कंसंट्रेशन पर और दूसरा टेम्परेचर पर ठीक है किस पर डिपेंड करता है एक तो सेल के कंसंट्रेशन पर और दूसरा सेल का टेम्परेचर क्या है इस पर अब अगर सेल का पोटेंशियल इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है किस पर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर तो सेल का जो ई एम एफ है ई एम एफ यानि कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ ये भी इन दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड करता है किस पर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ठीक है ये कहा था नर्नस ने नर्नस ने क्या कहा कि सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करता है इसलिए सेल का जो ईएमएफ है ये भी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन किसका यहाँ पर जो भी सेल के अंदर हम सॉल्यूशन लेते उसका कंसंट्रेशन कितना है उसका टेम्परेचर कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है करती है ये नन इक्वेशन अब इसके लिए इन्होंने आगे इक्वेशन बनाई है यहाँ पर इन्होंने एक हाफ रिडक्शन रिएक्शन ले रखी है यहाँ पर क्या है ये एम मेटल है कोई सी भी और इसके ऊपर कितने प्लस चार्ज है तो एन नंबर ऑफ प्लस चार्ज है जितने प्लस चार्ज है यहाँ पर उतने ही इलेक्ट्रॉन से ये मेटल एक्सेप्ट करती है और न्यूट्रल फॉर्म में चेंज हो जाती है ठीक है तो ये जो इक्वेशन है इसके लिए नस्ट ने क्या इक्वेशन बनाई थी देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन बनाई है इन्होंने ई इज इक्वल्स टू ई मीन्स यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और E0 क्या है तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है यानी कि E इज इक्वल्स टू है यहाँ पर E0 ज़ीरो माइनस में आर टी अपन में एन एफ लॉग एम यानी कंसनट्रेशन ऑफ एम और कंसनट्रेशन ऑफ एम एन प्लस ये वाली इक्वेशन दी थी नरनस्ट ने अब ये इक्वेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी ठीक है इसमें हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि ई e क्या है ई ज़ीरो क्या है आर क्या है टी क्या है तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पर जो ई e है ये ई e क्या है तो ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है ठीक है ई ज़ीरो क्या है तो ई ज़ीरो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आर क्या है तो ये गैस कांस्टेंट है टी क्या है यहाँ पर तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है एन क्या है यहाँ पर तो एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन्वॉल्व इन द रिएक्शन यानी रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो है यहाँ पर लोग यहाँ पर एक लोग लिखा हुआ है ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फिर m जो है वो m क्या है यहाँ पर देखते हैं हम और एम एन प्लस क्या है ये देख लेते हैं तो m क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोड का कंसनट्रेशन है m और एम एन प्लस जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है एम जो है ये क्या है यहाँ पर तो एम है यहाँ पर इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन और एम एन प्लस जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है अब ये जो इक्वेशन हमने राइट की इसमें अगर ये वाला जो लॉन्गे है इसको हम लोग टेन के बेस पर अगर राइट करते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी हमें कौन सी वैल्यू है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री यहाँ पर ऐड करना है ये इतनी वैल्यू राइट करनी है और ये जो लोग है वो किस में चेंज हो जाएगा लॉग टेन में तो ये दो चेंजेस किए हैं यहाँ पर और उसके बाद एज इट इज़ जैसे इक्वेशन राइट की है यहाँ पर एज इट इज उसको ऐसे ही राइट किया है तो ये थे हमारे नन नष्ट की इक्वेशन आगे देखते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ नन इक्वेशन थ्री फोर एप्लीकेशंस पूछते हैं इस क्वेश्चन में इसके साथ में नन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन पूछी जाती है तो फर्स्ट एप्लीकेशन है यहाँ पर कि ये जो नन इक्वेशन हमने राइट की इसकी हेल्प से हम सेल के ईएमएफ के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसको हम स्टडी कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर सेल का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो ई एम एफ ऑफ सेल है वो डिक्रीज होता है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो ई एम एफ है सेल का ये डिक्रीज होता है ठीक है तो इसको स्टडी करने में हम ननस्ट इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं दूसरा पॉइंट दिया है यहाँ पर द इफ़ेक्ट ड्यू टू द चार्ज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन ई एम एफ़ कैन बी स्टडीड बाय दिस इक्वेशन यानी कि अगर चार्ज जो है उसमें चेंज होता है तो ई एम एफ में क्या चेंज होगा ये भी ननस्ट इक्वेशन की हेल्प से स्टडी किया जा सकता है थर्ड पॉइंट कहा है इन्होंने कि द इफ़ेक्ट ऑन ई एम एफ ड्यू टू तो चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि कंसनट्रेशन में अगर हम चेंज करते हैं तो ई एम एफ में कितना चेंज होगा इसको भी हम इससे इस्टी कर सकते हैं इसके अलावा वर्क डन बाय सेल यानी कि सेल के द्वारा कितना वर्क किया गया है इसको भी हम नैनर्स इक्वेशन से स्टडी कर सकते हैं तो ये फोर एप्लीकेशंस है इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या देखा कि सेल का अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ई में क्या चेंज होता है ये स्टडी कर सकते हैं जब सेल का टेम्परेचर चेंज किया जाता है इंक्रीज किया जाता है तो ई ऑफ सेल डिक्रीज होता है दूसरे पॉइंट में देखा द इफेक्ट ड्यू टू चार्ज इन कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन आप चार्ज अगर चेंज होता है तो ईएमएफ एम ऑफ सेल भी चेंज होता है थर्ड पॉइंट में हम देखा है यहाँ पर कि अगर कंसंट्रेशन को ही चेंज करें तब भी यहाँ पर ईएमएफ चेंज होता है और उसको भी इसके हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखा है हमने इसमें कि वर्क डन बाय सेल यानी कि जितना कार्य सेल के द्वारा किया गया है उसको भी हम ननस्ट इक्वेशन से स्टडी कर सकते हैं तो ये थे हमारे आज के थ्री टॉपिक्स आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू